श्री श्री अनुकूल चंद ठाकुर बड़दा बड़मा पूजनीय आचार्य देव जी को कोटि कोटि नमन। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर बैठे सभी जो है संत, और बहुत ही एक अच्छा लेक्चर आपने अभी सरदार गुरुनाम सिंह जी का जोश वाला लेक्चर सुना। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है, आप लोगों को भी जो है बहुत देर हो गया है। अभी उन्होंने एक बात किया कि हम लोग ये प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तभी सब लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत मन को अच्छा लगता है बात। लेकिन जब घर जाते हैं तो फिर वही दुनिया दूसरा अपना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो चार्ज करना पड़ेगा। तो वो चार्जर क्या है वो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, क्योंकि चार्जर रखेंगे तभी चार्ज होगा ना, नहीं तो चार्ज कैसे होगा। तो ये जो आयुर्वेद है, जिसको आप अभी समझते हैं कि कोई ये चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र तो है, लेकिन ये एक चार्जर भी का काम भी करता है। और चार्जर कैसे करेगा कि जब तक हमारा शरीर दूषित है, जब तक हमारा शरीर विकृत है, जब तक हमारा मन विकृत है, हमारा मन दूषित है, जब तक हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध नहीं है, तो हम चार्ज नहीं कर सकते। ये जो सब भाषण हम सुनते हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन उसको अपने अंदर आत्मसात करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा तो शुद्ध ही होती है, लेकिन इन सब को शुद्ध करें। और इसी के लिए आयुर्वेद का शास्त्र बना है। आयुर्वेद शब्द को अगर हम विश्लेषण करेंगे तो आयुर् प्लस वेद, वेद यानी के ज्ञान, किसका ज्ञान? आयुर् का ज्ञान। आयुर् क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग। तो सभी के पास शरीर है, सबके पास मन भी है, सबके पास इंद्रियां भी हैं, और सबके पास आत्मा भी है। लेकिन कभी हमने वो पुस्तक नहीं देखी जिसमें इन सब के बारे में वर्णन लिखा है। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसको मैनुअल बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। कोई भी आप गाड़ी खरीदेंगे, कोई भी गैजेट खरीदेंगे, उसका एक मैनुअल आपको मिलता है, और मैनुअल में लिखा होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये इतना अच्छा एक स्मार्ट, आजकल स्मार्टफोन है, ये सुपर स्मार्ट सिस्टम है। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं है, अभी किसी दिन दो ज़्यादा रसगुल्ला खाएंगे तो ब्रेन ऑर्डर करता है पैनक्रियाज को कि थोड़ा इंसुलिन निकालो, आज ज़्यादा शुगर आ गया है। इतना स्मार्ट सिस्टम है, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक डिज़ाइन है। केवल हमें इतना करना है कि इसको अपने उस पर ही छोड़ देना है, बस ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी को स्वस्थ बोलते हैं, इसी को प्रकृति बोलते हैं, कि जब हम अपने नेचर में स्थापित होकर रहें। सब व्यक्ति जो हैं उसका अलग अलग शरीर है। कुछ लोग थोड़े मोटे होते हैं, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, वो 6 बार खाना खाते हैं, खूब दबा के खाते हैं, 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं पानी पिए उससे वजन बढ़ जाता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार की कार है, एक डीजल की कार है, एक पेट्रोल की कार है, एक CNG की कार है, एक जो इलेक्ट्रिक कार भी आजकल आ गई है, तो ऐसे ही हमारा ये शरीर, सबका अलग अलग शरीर है। इसको समझना पड़ेगा अगर इसको शुद्ध करना है। तो ऐसा नहीं कि जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रकृति को समझना है। ये बिल्कुल सरल है, आयुर्वेद में लिखा है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। तो जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक है वो बिल्कुल स्थिर होता है, जिसमें अग्नि तत्व होता है बहुत फायरी, जैसे सरदार जी का लेक्चर अभी आपने सुना, तो ये पित्त प्रकृति, फायर, अग्नि है उनके अंदर, और उनके आवाज से भी मालूम चलता है। मैं बड़ा धीमे से बोल रहा हूं, मेरा थोड़ा सा पृथ्वी तत्व है, शांत रहता हूं। तो सबका प्रकृति है, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई, ये कोई रोग नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग प्रकृति है। अगर आपको जो है अपने आप को चार्ज रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले प्रकृति समझना है, और प्रकृति के अनुसार ही आपको अपना भोजन। अगर डीजल की कार में पेट्रोल डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी,
यही लोग हम करते हैं। पित्त की प्रकृति अगर अग्नि ज्यादा है तो अग्नि वाला भोजन ज्यादा नहीं करना है, अगर पृथ्वी ज्यादा है तो पृथ्वी वाला भोजन ज्यादा नहीं करना है, वायु ज्यादा है तो वायु वाला है। बड़ा सिंपल सरल तरीका है। तो प्रकृति को समझना, अगर आपको नहीं मालूम आपकी प्रकृति क्या है, तो हमने एक ऐप बनाया है, जीवा हेल्थ ऐप, आप फोन में डाउनलोड करिए, उसमें आपको एक क्वेश्चनेयर मिलेगा, उस क्वेश्चनेयर को आप देखेंगे तो आपकी प्रकृति आ जाएगी, और ये भी आएगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब आपका शरीर शुद्ध रहेगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपका मन भी शुद्ध होगा। और यहीं तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद में जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो मन, जिसकी बात हम करते हैं। तो मन को अगर आपको स्वस्थ रखना है, तो मन को स्वस्थ रखने के लिए एक ही हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक विचार है कि सत्व गुण बढ़ाना है, सात्विक भोजन, सात्विक चीज़ें देखना, सात्विक चीज़ें सुनना, सात्विक चीज़ें पढ़ना, सात्विक म्यूजिक सुनना। सत्व गुण जब बढ़ेगा तो मन आपका शांत रहेगा। अभी आपका मन जो है वो विचलित है, वो रजोगुण में है, इसलिए जब आप घर जाते हैं तो एकदम से माइंड कहीं और चला जाता है। जब वो शांत रहेगा तो सारी चीज़ जो आपने सुनी वो हजम करेगा। तो कल से थोड़ा कोशिश करिए, अपनी प्रकृति समझें और अपने मन को सात्विक बनाएं। इंद्रियां जो हैं उनको रोज आपको शुद्ध करना चाहिए, आंख धोना है, नाक धोना है, कान भी साफ करना है, जीभ भी साफ करना है, त्वचा को साफ करना है। अगर आप इतना ही कर लेंगे, 5 मिनट केवल लगता है इसमें, ज़्यादा नहीं लगता, 5 मिनट में पांचों इंद्रियां आपकी साफ हो जाती हैं। और अगर 15 मिनट आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लें बैठ करके, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, उससे मन शांत हो जाएगा। और 5 मिनट केवल आप आत्मा से कनेक्ट करें, आत्मा जो किसी भी रूप में आप उसको देखें, आनंद के रूप में देखें, ज्योति के रूप में देखें, प्रीति के रूप में देखें, और उस आत्मा को फिर आप उस अपने गुरु से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, उसको 5 मिनट भी अगर आप जोड़ेंगे, वो 5 मिनट में ही चार्ज हो जाती है। तो अगर देखें तो टोटल जो है, शरीर मन और आत्मा तीनों को अगर चार्ज करना है, मैंने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया, उसका नाम मैंने रखा है जीवानंद। जीव कहते हैं आत्मा को, आनंद मतलब सबको मालूम है आनंद क्या होता है। जीव के आनंद के लिए ये आधा घंटा आप जीवानंद यदि करेंगे, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट पर मिलेगा हमारे, तो आपका चार्ज, जितना देर आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं ना रोज, आधा घंटा तो लगाते हैं ना मोबाइल चार्ज करने में, उतनी देर में हमें अपना शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा को भी रोज चार्ज करना चाहिए। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैटरी लो हो जाएगी। तो आजकल देखें तो जिसको भी देखो उसकी बैटरी लो है, सब थके हुए हैं, सबको माइंड जो है वो एक जगह टिकता नहीं है, मन लगता नहीं है। तो थोड़ा बैटरी को चार्ज करना है आधा घंटा रोज सवेरे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। शरीर के लिए करना है तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, मन के लिए थोड़ा ब्रीदिंग कर लो, आत्मा के लिए अपना नाम जप कर लो, जो भी आपको दीक्षा मिली है मंत्र जप कर लो, या कोई किसी भी चीज़ में उसको आत्मा को जो है अपना, कोई कुछ लोग ज्योति में मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग जो है अपने गुरु में करते हैं, तो वो करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं रोज, उसी तरह इसको भी चार्ज करना जरूरी है, तभी जो है ये सारा जो ज्ञान इतना अच्छा आपको मिल रहा है, ये पचेगा, ये हजम होगा और आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। यही चीज़ें जो हैं हमारे गुरुजन सब बताते हैं, और ये एक ऐसी भूमि है भारत भूमि जहाँ हमने जन्म लिया, और जन्म के पश्चात सत्संग, वो कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। एक तो दुर्लभ मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, उसके ऊपर सत्संग आपको मिल जाए, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये सत्संग का संपर्क मिला है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। अगर अब भी इसको वेस्ट कर दिया तो फिर दोबारा ये मौका मिले ना मिले क्या पता, किसी को कोई नहीं पता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, वो अध्यात्म में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना है, अगर आपको जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और स्वस्थ रहने का जो एकमात्र
हमारा ये प्राचीन शास्त्र है वो आयुर्वेद है, उसमें 50% चीज़ें जो हैं वो स्वस्थ रहने के लिए बताई हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये पहला उद्देश्य है। पहला चीज़ है कि स्वस्थ हम अपना मेंटेन करें, और उसमें ये भी लिखा है कि स्वस्थ क्यों होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ होंगे तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा लिखा है उसमें। उसमें यही लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति ही जो है अध्यात्म से जुड़ सकता है, जो बीमार है वो नहीं जुड़ सकता। तो एक ही गोल है स्वस्थ रहने का, कि हम अध्यात्म से जुड़ें, हम अपने उस परम इष्ट से जुड़ें और अपने जीवन को हम जो है उसका परम उद्देश्य जो है प्राप्त करें। अगर हम बीमार रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, बीमार व्यक्ति नहीं कर पाएगा इसको, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। चाहे पेट में थोड़ी गैस बनती है, एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, फिर वो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका नाम जप भी नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसलिए जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को चार्ज करना है रोज, दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठना है, शौच इत्यादि जाना है, नहाना है, ये सब जो नित्य कर्म हम करते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये आप आज अगर देखें तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण हमारा लाइफस्टाइल है। लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है। तो ये दिनचर्या लिखिए, इसी प्रकार से ऋतुचर्या हमारे यहाँ लिखिए। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ऋतुचर्या यानी कि सीजन के अनुसार आपको भोजन करना है, सीजन के अनुसार आपको अपनी जीवन शैली बनानी। तो मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से कि अपने आप को स्वस्थ बनाएं, ताकि आपका ये जो मिशन है, जीवन का ये जो उद्देश्य है जिसके लिए आप यहाँ सब आए हुए हैं, वो सफल हो सके। मैं फिर बार बार आपको रिमाइंड करता रहूँगा कि यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका जो है ये अध्यात्म सफल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और विशेष रूप से मानसिक रूप से आपको जो है स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने की एकमात्र जो ज्ञान है हमारे पास वो आयुर्वेद है। अगर आप लोग टेलीविज़न देखते हैं तो मेरा एक शो आता है, 5-6 चैनल्स पर रोज़ आता है, उसको देखिए। उसमें हम बहुत सारे घरेलू नुस्खे आपको बताते हैं। या कहीं पर भी आप बैठे हैं तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, 0129-40-40-40। हमारे 300 डॉक्टर बैठे हुए हैं, किसी को कुछ भी पूछना है, फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड में जो है हम फ्री कंसल्ट, रोज़ 8,000 पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देते हैं। और आपके भुवनेश्वर शहर में हमारी क्लिनिक है, परमानेंट वहाँ डॉक्टर रहते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी रोग हो, आयुर्वेद चिकित्सा आप करें, क्योंकि नेचुरल चिकित्सा करने से ही आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा और आप दीर्घायु प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।